दुनिया से तो झूठ बोल लोगे पर खुद से नहीं बोल पाओगे, फिर उसको बाद में रियलाइज होगा कि यार अच्छा हाँ मैंने ये किया था। Because you don't deserve it either, guys. Hello guys, welcome back to my channel. This is Kirti Mehra and you are watching obviously Kirti Mehra with another video. So आज का दिन है थोड़ा सा हेक्टिक और ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो सकता था अगर मैं कल रात को आशना के घर से ना आती। मनीष के जो लड़का हुआ है उनके फंक्शन में जाना है तो मैं जल्दी निकल के आ गई। 5 बजे ही निकल गई थी मैं, 6 बजे पहुँची, फिर मैं सोई थोड़ी देर, मैं 11:30 बजे उठी और अब मैं निकल रही हूँ नहा धो के एकदम सलाह के लिए। सामान मैंने सारा उठा लिया है क्योंकि यहीं से रेडी होके फिर शाम को गुड़गांव निकलूँगी। वापस आने में बहुत दिक्कत होती है पंजाबी बाग के जाम में, पंजाबी बाग और ये वेस्ट दिल्ली का जाम, वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली का जाम, सारे जाम फेल है सारे जाम। ये क्या सीन है, अगर मैं 4 दिन सही से सो जाऊँ तो ये डार्क सर्कल्स जो है ना कम हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, बहुत कम दिखेंगे, और वहीं अगर मैं 4 दिन हो गई लेट सोने में तो ये वापस अपनी जगह में आ जाएंगे। हेलो ब्रदर, पार्किंग स्किल्स देख लो, पार्किंग स्किल्स ये ऐसे फोन निकल जाएगा इससे। तो अभी हम बैठ चुके हैं। अरे भगवान मैं बहुत थक गई हूँ, घर से नीचे उतर के आने में ही थक गई हूँ। हो मर गए भाई, हीलों में चलना इज अ टास्क भाई, टास्क। मॉडल्स सल्यूट है तुम लोगों को, है ना। ओ तो क्या 100 तोपों की सलामी। हाँ गाड़ी चलाते हैं। अभी हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो है पहले गिफ्ट लेना, क्योंकि मेरे को ये था, मेरे को बड़ा शौक है ऐसे बच्चों की ना शॉपिंग वॉपिंग करने की, और मेरे दोस्तों के ऐसे बच्चे बच्चे हों तो मेरे को लगता है कि यार सब कुछ दे देती हूँ, कुछ कुछ ऐसा अलग अलग चीज़ें आती हैं। जो मेरे सारे दोस्त बच्चे कर लो सबको गिफ्ट दूंगी, तुमको तो दिए नहीं मैंने, बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट ईदर गाइज, है ना। तो मनीष और मनीष की वाइफ को ये भी दे दूँ, साथ में उसके बेबी के लिए तो ले लिया मैंने। ये वैसे दिवाली के लिए है ना, कौन ना भैया। अरे बाप रे, हाँ बच्चे के गिफ्ट में इन्होंने बनाया भी वो ये एकदम। ये मैंने एक, तो अब चलते हैं पहले सलों पे जाऊंगी, थोड़े बाल वाल ठीक करवाऊंगी, फिर वहां से रेडी होके गुड़गांव निकलेंगे, वहाँ पे सब लोग आएंगे। आज जितने भी ये थोड़े हेट कमेंट्स हैं जो आके कर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी से भी कंपैरिजन करते हैं, किसी से भी कुछ भी करते हैं, भाई हाथ जुड़ा लो यार मेरे, हाथ जुड़ा लो। मैं अपने में हंसती खेलती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, तो मेरे को किसी चीज़ में घसीटने की भी ज़रूरत नहीं है। घसीटना है तो फिर घसीटते रहो भाई, यार मेरे को कुछ ऐसा इतना खास अब फर्क भी नहीं पड़ता है, बस मैं थोड़ी चीजें क्लियर कर रही हूँ। कुछ गलत बोलता है या गलत करता है वो भगवान उसको किसी ना किसी रूप में उसका फल दे देता है, चाहे ऐसे ना दे तो ऐसे मिल जाएगा, फिर उसको बाद में रियलाइज होगा कि यार अच्छा हाँ मैंने ये किया था तो इस वजह से मेरे साथ हो सकता है ऐसा हो रहा हो। मैं दंगे की चोट पे कह सकती हूँ मैंने ना तो किसी के साथ कुछ गलत किया ना किसी को कुछ गलत बोला। और आपको एक चीज बताऊं, बहुत पते की बात जो मैंने सीखी है, जो मैं बाकियों को भी यही बोलती हूँ, इंसान ना पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने घर वालों से झूठ बोल सकता है, अपने बच्चों से, बीवी से, गर्लफ्रेंड से, एक्स वाई जेड कुछ भी, इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर इंसान ना खुद से झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, अगर आप कुछ कर रहे हो ना आपका मन जानता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, तो दुनिया से तो झूठ बोल लोगे पर खुद से नहीं बोल पाओगे। जब खुद से नहीं बोल पाओगे ना तो शर्मिंदा हो जाओगे अपने आप से, और अपने आप की नज़र में ना गिरना नहीं चाहिए। दुनिया की नज़र में बेशक गिर जाओ पर खुद की नज़र में चौड़ होनी चाहिए यार।
अपने ना 12th क्लास तक ऐसे बहुत झूठ बोले हैं कि मैं ये कर रही हूँ ये कर रही हूँ, तो 12th क्लास तक मैंने झूठ बोले हैं जितने बोले हैं, उसके बाद मैंने कोई झूठ नहीं बोले। तो कि तब मेरी मम्मी मेरे को समझाती थी कि बेटा तू कुछ भी कर, तू मेरे को आके सच बता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, वो चल नहीं सकता। तुम उसे जितना चलाने की कोशिश करोगे वो नहीं चल पाएगा, थोड़ी देर क्या चल ही नहीं सकता, जिसके पैर नहीं है वो क्या चलेगा। तो ऐसे बोला जाता है झूठ के पैर नहीं होते। आज का बहुत ज्यादा भाषण दे दिया मैंने, अभी चलते हैं, जाम में फंस गई हूँ और उल्टी आ गई हूँ, गलती से उल्टी आ गई हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था, बाल वापस से छोटे हो चुके हैं, वापस शॉर्ट है, और ये रहा अपना सलोन और ये रही मैं। मतलब अब मैं जा रही हूँ सीधा गुड़गांव, अब लोकेशन दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट, ये अभी दिखा रहा था 2 घंटा 13 मिनट, 1:40 हो गया, थैंक गॉड ये भी ठीक ही है। 8 बजे तक मैंने बोला था पहुंच जाऊंगी मैं, बट हो सकता है 8:30-9 बजे, अभी सारे लेट होंगे, पर चल के देखते हैं एक बार। सो लेट्स गो। स्वर्ग दीवारों पे दीवारों पे नाम है तेरा, तेरा नाम है तेरा तेरा। व्हाट अ ह्यूमर कीर्ति मेरा, व्हाट अ ह्यूमर गाइस, तालियां बजा दो कीर्ति मेरा, ओपी लिख दो, वेरी गुड वेरी गुड। नाम है तेरा तेरा नाम है तेरा। सो गाइस पहुंच चुके हैं, मनीष की गाड़ी के पीछे लगा दी, यहाँ पे है फंक्शन अभी। अरे यार गिफ्ट भूल गई, रुको, तो गिफ्ट देने की चीज़ है भाई, उसको शर्मिंदा करूंगी। तो गिफ्ट दे मनीष को, मनीष के लिए ले गई ये गिफ्ट। हाँ मनीष के लिए भी लाई हूँ। अच्छा भी क्या? हाँ आंटी के लिए पकड़ेंगे। अच्छा मेरे को कैमरामैन बनाएगा तूने, मगर शर्मिंदा करूंगी, नुका मेरे को गिफ्ट ना दिया था इसने, पर ये तो छोरा के लिए लेके आई है ना। ले भाई ला मेरे तक पकड़ा दे, ओ गाड़ी की चाबी दे दी इसने, वाओ ओ मैं तन्नू कहता ना गाड़ी की चाबी। ना 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 यहाँ नहीं, वो तेरा काम, वो डीजे पे करवाएंगे, इस गाने पे डांस करवाने हैं इसको डीजे पे। वीडियो चला दी क्या? लॉग बन जाएगा। पता है कौन से एरिया में बैठे? रेड जोन में। ये रेड जोन एरिया है, यहाँ पे मतलब बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं इस चीज का, जब तक हम बैठे हैं तब तक वो पीने नहीं आएंगे। आवाज आ रही होगी, कॉपीराइट आ रहा होगा। कट लगा लगा के करूंगी इसको रिकॉर्ड, कट ही कट है पूरी वीडियो, कट है वीडियो कट कर दी सर, थंबनेल डाल दिया। तुम भी सुनो एक बार, पता क्या हुआ, तुम्हारा रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगी। मैंने ना एक वीडियो डाली ब्रांड की, और वो ब्रांड कुछ टाइम बाद मेरे को वीडियो से हटाना था, तो मैंने ना ट्रिम कर दिया, और ट्रिम करके क्या हुआ, ब्रांड ब्रांड रह गया यूट्यूब पे। तो हम तेरे से ना यही उम्मीद कर सकते थे, तू ही कर सकती है काम। बस सिर्फ 60 सेकंड की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, और देख रही हूँ अगले दिन कि ये क्या हो गया, सिर्फ ब्रांड का पार्ट रह गया। वो वीडियो चल गई होगी है ना, वो कर दिया इसने। और पता है सोच की कौन सा ब्रांड था, ये तो काटूंगी ये काटूंगी। तो फिर मैंने दोबारा ठीक किया, तब जाके वो ठीक हुआ। कैसे थोड़ी दिक्कतें नया नया मैंने कहा खाना खत्म करना चालू कर, क्या हुआ मेरी पढ़ाई चल रही है, आपको पता है आपके पूरे खानदान में पढ़ाई कीर्ति में एक रत्ती भर का भी एटीट्यूड नहीं है। क्या बात कर रही है, उनको पता नहीं है। पता दिक्कत क्या है, उन्हें फर्क, मेरे को फर्क नहीं पता कि घर वाला को बट विकास भैया की जो आउटफिट है, इन दोनों की जो आउटफिट है, हम घर का प्रोग्राम है और उनके बाहर का प्रोग्राम है।
हाँ इनके बाद का प्लान है। गाइस जिसने तारीफ करी झूठी करी है, पूरे खानदान ने। किसने? इसके ने। एक बार दोबारा बोल दो यार। ये हमसे पहले वालों ने खाया है। ये सही है ना, हमें सुनने में आया कि हम सब यही है और मनीष जा चुका है। हम भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हम सब यही हैं और मनीष बीर भी रखे सिक्का लॉस्ट बेबी विद हिज टू बेबीज। तो हम भी यहाँ से कट रहे हैं। एक बार सामने देख लो। अच्छा फोटो भाई, कैमरे से हम फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, व्लॉग वॉक सब खत्म हो रहा है। तो तूने एंड नहीं किया ना व्लॉग का। अच्छा फोटो खिंचवा लो। पहले कुछ बोलना भी होता है तो गाइस अब हम चल रहे हैं। बाय। इन्होंने और इन्होंने, इन चारों ने बहुत अश्लील बातें करी हैं। पुराने बुरे दिन, गोल्डन डेज, गोल्डन डेज। अगर कीर्ति के बोलने लगे कि मैम आप सबटाइटल डालो नीचे लिखा है लापी साउंड, वही चलता रहेगा। कई बार तो हंसने की आवाज भी ना आवे इसकी। गैस भूल जा था सांस में, इंजन ना इंजन स्टार्ट कर। अब हम निकल रहे हैं। बहुत क्या हो रही है। हाँ तो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने अपने घर, वीडियो एडिट के लिए। सो गाइस हम निकल रहे हैं अपने अपने घर। वो तो बोल दे। हाँ ओके बाय गाइस, बाय। आए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि किसने कितनी पी रखी है, बिकॉज मैंने तो पी ना। और ये देखना साड़ी ने कभी कुछ बोल रहा हूँ, बता दो। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। बाय बहुत हो गया बाय। ये मेरे को कट मारने पड़ेंगे सारी बात के, डर भी नहीं पड़ेंगे। नहीं तो पी तो मैं क्या करूँ। मैं तो कॉपीराइट को तो बचाना, पीछे पता ना कौन सा गाना चल रहा है। 100 बार बोल दिया मैंने, कॉपीराइट देख लियो।